हेलो गाइस, मैं सुषमा अग्रवाल, वेलकम यू टू कोड फिक्स चैनल मेड फॉर यू विद बाय ह्यूम। सो लेट्स नाउ स्टार्ट टुडेस प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम टुडे वी हैव टू सॉल्व इज विद मैजिक। सो लेट्स गेट इनटू दिस प्रॉब्लम। तो आज की जो ये प्रॉब्लम है ना, उसके अंदर अपने को एक एरे दे रखा होगा जिसके अंदर सिर्फ जीरोस और वन स्टोर्ड होंगे। अब अपने को इस एरे को एक पैलिंड्रोमिक एरे बनाना है, और इस एरे को एक पैलिंड्रोमिक एरे बनाने में अपने को जितने भी मिनिमम ऑपरेशंस रिक्वायर्ड होंगे अपने को उतने ही मिनिमम ऑपरेशंस रिटर्न कर देने हैं। यही अपना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अब अपन देख लेते हैं कि अपन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं इस एरे को एक पैलिंड्रोम बनाने के लिए। तो अपन एक ऑपरेशन में कोई सी भी दो वैल्यूज ले सकते हैं अपने एरे में से, और उन दोनों ही वैल्यूज को अपने को उन दोनों वैल्यूज के एक्सोर से रिप्लेस करना होगा। यही एक ऑपरेशन है जो अपन परफॉर्म कर सकते हैं इस एरे को एक पैलिंड्रोम बनाने के लिए। यही अपना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगर अपन इस क्वेश्चन को इसी एग्जाम्पल से देखें, तो इस एग्जाम्पल में अपने को एरे ये दे रखा है, और पैलिंड्रोमिक एरे की एक प्रॉपर्टी होती है कि चाहे अपन उसको स्टार्टिंग से रीड करें या फिर अपन उसको एंडिंग से रीड करें, दोनों ही केसेस में अपना आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। लेकिन अगर अपन इस एरे को देखें तो इस एरे के स्टार्टिंग में वन है, और इसके लास्ट को अगर अपन देखें तो उधर जीरो है। मतलब अगर अपन उसको स्टार्टिंग से रीड करेंगे तो सबसे पहले वन आएगा, और अगर अपन उसको लास्ट से रीड करेंगे तो सबसे पहले जीरो आएगा। मतलब दोनों केसेस में आंसर जो है वो डिफर करता है। मतलब ये वाला जो एरे है वो अपना एक पैलिंड्रोमिक एरे नहीं है, अपने को इसको एक पैलिंड्रोमिक एरे बनाना पड़ेगा। अब पैलिंड्रोमिक एरे बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है कि अपना जो स्टार्टिंग का इंडेक्स है और उसका जो कोरिस्पोंडिंग लास्ट वाला इंडेक्स है, अपने को उन दोनों को सेम करना पड़ता है। जैसे अपना जो फर्स्ट होगा इंडेक्स, वही अपना लास्ट इंडेक्स भी होना चाहिए। जो अपना सेकंड इंडेक्स होगा, वही अपना सेकंड लास्ट इंडेक्स भी होना चाहिए, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अपना फर्स्ट इंडेक्स क्या है, वन है, और अगर अपना लास्ट इंडेक्स अपन देखें तो क्या है, वो जीरो है। ठीक है, तो ये दोनों डिफर करते हैं, तो अपने को एक ऑपरेशन तो परफॉर्म करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब अगर अपन सेकेंड और सेकेंड लास्ट इंडेक्स को देखें तो वो दोनों सेम है, तो इसके लिए अपने को कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। अब अपना एक ऑपरेशन क्या होगा, अपने को बोला है कि अपने को कोई से भी दो वैल्यूज लेनी है और उन दोनों ही वैल्यूज को अपने को उनके एक्सोर से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो अपने दो वैल्यूज क्या है, वन और जीरो। ठीक है, अब एक्सोर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर दोनों वैल्यूज डिफरेंट होंगी तो अपना आंसर क्या आएगा, वन आएगा। ठीक है, मतलब वन जीरो के लिए भी वन आएगा और जीरो वन के लिए भी वन आएगा, क्योंकि अपनी दोनों ही वैल्यूज डिफरेंट है। ठीक है, और अगर अपनी दोनों ही वैल्यूज सेम होती है, जैसे जीरो जीरो होगा या फिर वन वन होगा, तो उसके लिए अपना आंसर क्या आएगा, उसके लिए अपना आंसर आएगा जीरो। ठीक है, तो अभी अपनी दोनों ही वैल्यूज डिफरेंट है, तो अपने को दोनों ही वैल्यूज को वन से रिप्लेस करना है। तो ये तो ऑलरेडी वन है, इसको भी अपन वन कर देंगे, तो अपना एक एरे क्या बन जाएगा, अपना एरे एक पैलिंड्रोम बन जाएगा, वन जीरो जीरो वन बन जाएगा। ठीक है, और अपने को कितने ऑपरेशन लगे, अपने को सिर्फ एक ही ऑपरेशन लगा, तो अपन उसी को रिटर्न कर देंगे और वही अपना आंसर है। मतलब अपन क्वेश्चन अच्छे से समझ चुके हैं। फिर भी अपन इस क्वेश्चन को एक बार इस एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कंपैरेटिवली बड़ा एग्जाम्पल है, तो अपने को थोड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी क्वेश्चन की। तो इस एग्जाम्पल में अपने फर्स्ट के दो और लास्ट के दो इंडेक्सेस तो सेम है, फिर इधर एक वन आ रहा है और इसके कोरिस्पॉन्डिंग लास्ट में जीरो आ रहा है। मतलब अपने को एक मिसमैच तो मिल चुका है। ठीक है, फिर अगर अपन नेक्स्ट इंडेक्स को देखें तो यहाँ पे जीरो है और इसके कोरिस्पॉन्डिंग पोजीशन पे वन है। मतलब अपने को दो मिसमैचेस मिल चुके हैं, और फिर ये बीच वाला इंडेक्स है जिससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो वन हो चाहे वो जीरो, क्योंकि इसका दूसरा पैर है ही नहीं, एक्सिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो अपने को दो मिसमैचेस मिल चुके हैं, तो क्या अपन इन दोनों मिसमैचेस के लिए अलग अलग कैलकुलेट करेंगे और दो ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे? जी नहीं, अपन क्या करेंगे, अपन इस वन को लेंगे और इस वाले वन को लेंगे। ठीक है, इन दोनों का एक्सोर करेंगे। अब वन और वन का एक्सोर क्या होता है, सेम वैल्यूज का एक्सोर जीरो होता है, तो अपन इन दोनों ही वैल्यूज को जीरो से रिप्लेस कर देंगे। तो अपना एरे क्या बन जाएगा, वन वन फिर जीरो फिर वापस टू टाइम जीरो फिर वापस जीरो जीरो और वन वन। ठीक है, ये अपने पैलिंड्रोमिक एरे बन चुका है। अपनी फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू सेम है, सेकंड वैल्यू सेकंड लास्ट वैल्यू सेम है, एंड सो ऑन। अपनी सारी वैल्यूज जो है वो सेम हो चुकी है, तो अपना एरे जो है वो एक पैलिंड्रोमिक एरे बन चुका है। और अपने को कितने ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़े, अपने को सिर्फ एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ा, तो अपन वन ही रिटर्न कर देंगे। और ये अपना हर केस में होगा, क्योंकि अपना मिसमैच कब होगा कि अपने एक पैर में तो वन है और उसका जो कोरिस्पॉन्डिंग पैर है वो जीरो है। ठीक है, तभी अपना मिसमैच होगा। तो अगर अपने दो मिसमैचेस हुए तो अपने दो बार वन आ रहे होंगे और दो बार जीरो आ रहे होंगे, तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों वंस को अपन एक ही बार में जीरो कर देंगे, तो ये वाला जो दोनों ही पेयर्स है वो दोनों ही मिसमैच पेयर्स रिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, जैसे ही अपना कोई भी इवन पेयर आता है, जैसे अपने टू पेयर्स आते हैं, तो अपन क्या बोलेंगे कि अपन को सिर्फ एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर अपने जो फोर पेयर्स है वो मिसमैच हो रहे हैं, तो अपने को कितने, अपने को सिर्फ दो ही ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे, क्योंकि अपने पास क्या होगा, चार पर वन जीरो
10 का मिसमैच पेयर आएगा, ठीक है। तो एक बार में अपन दो पेयर्स को रिजोल्व कर सकते हैं, मतलब दो वंस को जीरो बना सकते हैं, तो अपन दो बार में चार वंस को जीरो बना देंगे, ठीक है। और अगर अपने पास कोई ऑड वैल्यू आती है, ठीक है, जैसे 5 आती है, तो 4 पेयर्स को तो अपन दो बार में रिजोल्व कर सकते हैं, और एक जो पेयर होगा उसके लिए अपने पास ऑप्शन नहीं होगा, तो उसको उस एक पेयर के लिए अपने को एक ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, जैसे अपने को इस एग्जाम्पल में करना पड़ा था, ठीक है। तो उसके लिए अपने को क्या लगेगा कि डिवाइड बाय 2 करो, अगर ऑड है तो डिवाइड बाय 2 करो, तो इंटीजर में अपना आंसर 2 आएगा, उसके बाद प्लस 1 कर दो, ठीक है। तो अपने को टोटल 3 ऑपरेशंस लगेंगे अगर अपने पास 5 मिसमैच पे ऐसे, तो ठीक है। तो एक बार अपन इसका कोड देख लेते हैं। तो इसके कोड में अपन ने क्या किया, अपन ने सबसे पहले तो मिसमैचेस कैलकुलेट करने के लिए एक मिसमैच बनाया है, एक आई बनाया है और एक जे बनाया है। आई को मैंने क्या किया, अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पर रखा है, देखिए, और जे को मैंने रखा है अपनी एंडिंग पोजीशन पे, ठीक है। फिर मैं क्या बोलती हूँ कि जब तक अपना जो आई है वो जे से छोटा या जे के बराबर नहीं हो जाता, तब तक चलते रहो। देखो कि अगर अपना एरेक का आई पोजीशन और जे पोजीशन अगर डिफरेंट है, मतलब अपना मिसमैच हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे, मिसमैच में प्लस प्लस कर देंगे कि अपने टोटल इतने मिसमैचेस आ रहे हैं, फिर आई को प्लस प्लस करते जाएंगे, जे को माइनस माइनस करते जाएंगे, ठीक है। फिर अपन बोलेंगे कि अगर अपना मिसमैच 0 है, मतलब अपना क्या था, अपना जो एरे था वो ऑलरेडी एक पैलिंड्रोमिक एरे था, तो उस केस में अपन रिटर्न 0 कर देंगे, क्योंकि अपने को कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं तो अपन देखेंगे कि अपने मिसमैचेस इवन है कि ऑड है, अगर अपने मिसमैचेस जो है वो इवन होंगे तो अपन मिसमैच बाय 2 रिटर्न कर देंगे, नहीं तो अपन मिसमैच बाय 2 प्लस 1 रिटर्न कर देंगे। यही अपना सिंपल सा सोल्यूशन है, एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल सबमिट हो रहा है, मतलब एकदम एक्यूरेट सोल्यूशन, आप इसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया, वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। हम आपका डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेजेंट है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।